तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी टेक प्रो हिंदी में। तो रिसेंटली मैंने नॉइज़ इवोल्व 3 खरीदा था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया है इसके साथ। और अभी जैसे कि फ्लिपकार्ट का बिग दिवाली सेल चल रहा है, और बिग दिवाली सेल पे सिर्फ जो है ये 3,000 रुपये का बिक रहा है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि इसे जो है हमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं जो है इस वीडियो पर आपको 5 ऐसे रीजन्स बताऊंगा जिसकी वजह से टोटली आप इसे बाय कर सकते हैं, एंड कुछ रीजन्स ऐसे भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले और एक चीज बता दो, अगर इसका अनबॉक्सिंग सेटअप एंड जो है फुल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक जो है आई बटन पे है, उधर जाके देख सकते हो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली इस वीडियो को जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जिसकी वजह से टोटली इसको बाय करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यह है कि इसका डिस्प्ले बहुत ही मुझे ज्यादा जो है तगड़ा लगा है, क्योंकि इसमें जो है 1.43 इंच का एक बड़ा जो है एमोलेड पैनल दिया गया है, एज कंपेयर टू अदर डिस्प्लेज जो कि इस प्राइस रेंज में आपको देते हैं, उसमें आपको 1.3 इंच का मैक्सिमम जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाता है राउंड डायल में। जैसे कि आप एज कंपेयर टू डीजो वॉच आर साइड बाय साइड देख सकते हैं, डीजो वॉच आर का जैसे कि मतलब डिस्प्ले बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा बड़ा है। आपको अगर राउंड डायल में एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो ऑब्वियसली इसको बाय कर सकते हैं। एंड इसमें जो एमोलेड पैनल दिया गया उसका क्वालिटी भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। मैं डीजो वॉच आर के साथ भी कंपेयर किया, उससे भी बेटर मुझे क्वालिटी जो है इसमें देखने को मिला। एंड अभी जो सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता था वो ये है कि इसमें आपको जो है 500 निट्स का जो है ब्राइटनेस दिया गया, जिसके वजह से आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और एमोलेड डिस्प्ले के साथ एक जो है 500 निट्स का ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो डिस्प्ले में इसमें जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अभी जो तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल के आ जाता है वो ये है कि इसमें आपको एक एक्सेलेंट डिजाइन दिया गया है, जिसकी वजह से इसका एक प्रीमियम लुक जो है निकल के आ जाता है। जैसे कि आप डिस्प्ले के अराउंड जो है देख सकते हैं एक मेटलिक रिंग दिया गया है, एंड साइड में 2 आपको जो है रोटेटेबल की दिया गया है, जिसकी वजह से लुक जो है बहुत ज्यादा अच्छा निकल के आ जाता है। लेकिन उन दो जो रोटेटेबल की साइड में दिया गया या फिर बटन्स दिया गया उसको रोटेट करके आप जो है गैसेस वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, और लेकिन वो जो है एक जो है स्पोर्ट्स मोड से एनेबल हो जाता है, एंड दूसरा जो है पावर बटन एंड प्लस जो है मेन्यू बटन जैसा काम करता है, तो इजी टू एक्सेस भी इसका जो है। अभी फिलहाल जो फोर्थ पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके बारे में निकल के आ जाता है वो ये है कि इसका सॉफ्टवेयर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। अगर आप जो है बिगनर है तो अभी इसे बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं, एंड प्यूरिफाइड इसका सॉफ्टवेयर है, एंड सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग मुझे कोई जो है लैग वगैरह स्टटर वगैरह नहीं दिखा देखने को जो है मिला है। हालांकि सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा जो है सेटअप एंड जो है रिव्यू वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारा जो है नॉइस फिट ऐप को कैसे सेटअप करना है एंड इसका सॉफ्टवेयर वगैरह कैसा है सब कुछ एक्सप्लेन किया है ब्रीफली, तो आई बटन पर लिंक है, उधर जाके आप देख सकते हैं। एंड अभी इसका लास्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इसमें जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर आपको दिया गया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, मतलब माइक एंड स्पीकर का क्वालिटी ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको अभी मैं एक छोटा सा जो है सैंपल सुना देता हूँ इसके ब्लूटूथ कॉलिंग का। हेलो, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? और एक बार मेरी आवाज कैसी आ रही है? हेलो, क्लियर है? और कोई डिस्टॉर्शन नॉइज वगैरह? नहीं नहीं ठीक है थैंक यू। तो अभी फिलहाल जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बाद नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन मेरे यूजर्स पे मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है ना बराबर देखने को मिले हैं, मतलब ये वॉच जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। लेकिन फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो कि मतलब बताना जो है ज़रूरी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसका जो डायल साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो ऑब्वियसली स्मॉल रिस्ट वालों के लिए थोड़ा जो है अनइजी हो सकता है। एंड इसमें जो बिल्ड क्वालिटी दिया गया है वो प्लास्टिक का है, तो ऑब्वियसली अगर आप मेटल बिल्ड वाला स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये नहीं है। एंड इसमें जो वॉच फेसेस का कलेक्शन है नॉइस फिट ऐप पे वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ा मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें आप तगड़े जो है वॉलपेपर या फिर वॉच फेसेस लगा सकते हो। कैसे लगाना है आई बटन पे एक वीडियो का लिंक है, उधर जाके देख सकते हैं। एंड इसमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया उसका क्वालिटी ठीक ठाक मुझे लगा, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ा कम है। एंड इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में थोड़ा जो है कम आपको बैटरी टाइप देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सारे इश्यूज जो है मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया नेगेटिव पॉइंट्स, सारे जो है नेग्लिजिबल है, वो आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मुझे जो है पर्सनली ये वॉच जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गया है इस वॉच के साथ। अभी फिलहाल जिसने इसको बाय किया है, बहुत लोगों के मन में डाउट है, कभी कभी ये जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे जो है रीडिंग वगैरह दिखा रहा है SpO2 एंड हार्ट रेट का, वो क्यों दिखा रहा है। मैंने एक वीडियो पे आपको पूरा जो है एक्सप्लेन करके जो है दिखाया है क्यों ये चीज़ जो है ऐसा दिखा रहा है, तो उस वीडियो का
लिंक जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उधर जाके देख सकते हैं। एंड इसमें कोई फेक सेंसर्स वगैरह का इशू नहीं है, लेकिन उस वीडियो को देखिए, आपको सारा रीजन्स जो है पता चल जाएगा। एंड बिग दिवाली सेल के स्टार्टिंग में ये जो है 2999 रुपीज का चल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डील था। लेकिन अभी जैसे कि इस वीडियो को मैं एडिट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये जो है 3199 रुपीज़ का जो है हो गया है, तो ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में भी बहुत ही ज़्यादा जो है ये वर्थ फॉर मनी है। तो ऑब्वियसली जल्दी से जाके जो है बाय कर लो, क्योंकि आगे जाके प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है। एंड अंडर 5K के प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है राउंड डायल स्मार्ट वॉच जैसे देखने को मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बजट में ये जो है किंग ऑफ राउंड डायल स्मार्ट वॉचेस है, आप बाय कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ऑब्वियसली जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।